वेलकम बैक टू दी चैनल। आज अपन कंपेयर रिव्यू करने जा रहे हैं ग्राजियो 125 वर्सेस डियो 110 PS6 मॉडल। दोनों में चेंजेस क्या है, प्राइजेस क्या है, एंड सबसे पहली बात कि दोनों से में से बेस्ट कौन सी रहेगी आप लोगों को। सो वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज कवर करने वाला हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या क्या सब चीज कवर करूंगा। एंड ऑल्सो थैंक टू विनायक होंडा जिस शोरूम की वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाया। तो शोरूम की सारी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रहा हूँ, जाओ चेकआउट करो, बाइक बुक करो, स्कूटर बुक करो, एक बार चैनल का नाम बताना मत भूलना। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड दिस रिव्यू। ओके सो ये रहे दोनों स्कूटर, हाउज इट लुक लाइक नीचे कमेंट करके बताना। ये जो देख रहे हो वो डियो है और यहाँ पे ग्राजिया है। तो डियो आप लोगों को दो वेरिएंट में अवेलेबल हो जाती है, ग्राजिया भी आप लोगों को दो वेरिएंट में अवेलेबल हो जाती है। इसका मैं वेरिएंट बताता हूँ, ये स्टैंडर्ड और डिलक्स में और एक रैप्सोल एडिशन, तीन वेरिएंट। जो रैप्सोल अवर न्यूली लॉन्च हुई है इसलिए दो ही वेरिएंट में बताया, और ग्राजिया दो वेरिएंट, एक डिस्क और ड्रम। सबसे पहला चेंजेस यहाँ पे ये है कि डियो में कहीं पे भी आप लोगों को डिस्क वेरिएंट देखने को नहीं मिलती है, वहीं ग्राजिया में आप लोगों को एक डिस्क वेरिएंट देखने को मिल जाती है। सो सबसे पहले और आगे चलने से पहले मैं इंजन डिस्प्लेसमेंट बता देता हूँ। डियो आप लोगों को 110 सीसी में देखने को मिल जाती है, वहीं ग्राजिया 125 सीसी में, जो कि पावर जनरेट करती है 10.25 BHP की 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, और वहीं पे डियो पावर जनरेट कर 7.25 BHP की 9 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। तो सबसे पहला डिफरेंस पावर में, क्योंकि दोनों की ही इंजन डिस्प्लेसमेंट चेंज है, अदरवाइज दोनों में ही 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रंट कंसोल से, दोनों में ही LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। अभी देखो LED सेटअप हेडलाइट, यहाँ पे भी LED सेटअप हेडलाइट, साइड टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पे भी साइड टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पे जो फ्रंट एपरिन में देख रहे हो, सॉरी फ्रंट पायलट लैंप में देख रहे हो, वो DRL है, वहीं पे भी यहाँ पे भी DRL देखने को मिल जाएगी। बस चेंजेस ये है कि ये एक और एक इधर, मतलब दो DRL इसमें देखने को मिल जाती है, बीच में अटैच नहीं है, और यहाँ पे पूरी DRL अटैच है। अदरवाइज यहाँ पे होंडा का बैजिंग, यहाँ पे कोई होंडा का बैजिंग देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे होंडा का बैजिंग। अदरवाइज फ्रंट टायर दोनों में सेम है, 90x90 12 इंचेस के टायर, और रियर में 90x90 10 इंचेस के टायर। बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि डियो में आप लोगों को डिस्क वेरिएंट देखने को मिल जाएगी, इसमें सॉरी डियो में आप लोगों को ड्रम वेरिएंट देखने को मिल जाएगी, ड्रम ब्रेक, और वहीं पे ग्राजिया में डिस्क देखने को मिल जाएगी, जो कि 190mm की फ्रंट डिस्क आती है। अभी आप लोग जो देख रहे हो वो ड्रम वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, दोनों को ही ड्रम में ही दिखा दे रहा हूँ। इसमें आप लोगों को डिस्क वेरिएंट भी अवेलेबल हो जाती है। सबसे पहला डिफरेंस आप लोगों को ब्रेकिंग सिस्टम में, अदरवाइज दोनों में सेफ्टी फीचर में CBS देखने को मिल जाती है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम अभी देखो, और यहाँ पे देखो दोनों के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। अदरवाइज लुक्स की वाइज बात करो, दोनों ही स्पोर्टी लुक में अवेलेबल हो जाती है। अदरवाइज चेंजेस ये हैं कि जो ग्राजिया है वो न्यूली लॉन्च हुई है, ये अवर फिलहाल लॉन्च हुई है, और डियो बहुत पहले से ही आ रही है, तो काफ़ी मस्कुलर लुक है डियो का और ग्राजिया का भी। यहाँ पे देखो ये चिपका हुआ, यहाँ पे ये फैला हुआ है। अदरवाइज मीटर कंसोल देखो, एक बार मैं दिखाता हूँ, कुछ ऐसा दिखता है मीटर कंसोल डियो का, एंड कुछ ऐसा दिखता है ग्राजिया का। डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि ग्राजिया में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाती है इसमें। ये जो नीचे देख रहे हो, मैं ऑन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जो देख रहे हो ये फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पे टोटल मतलब ऑडोमीटर, यहाँ पे टाइम, अदरवाइज ये देखो ट्रिप मीटर, यहाँ पे किलोमीटर मतलब कि फ्यूल कितना किलोमीटर चलेगी, यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे रेंज। अदरवाइज ऊपर देख रहे हो ये RPM मीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, और कुछ देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं पे साइड टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे लो बीम हाई बीम, यहाँ पे इको मोड का ऑप्शन, अदरवाइज और कोई फीचर्स इसमें देखने को नहीं मिलती है। वहीं मैं डीओ की बात करूँ तो इसमें नॉर्मल सा स्पीडोमीटर, यहाँ पे RPM मीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, और यहाँ पे ट्रिप मीटर और स्पीडोमीटर देखने को मिलेगी, और कोई फीचर्स देखने को इसमें नहीं मिलती है। अदरवाइज यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्टार्ट स्टॉप स्विच, लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड स्टार्ट स्टॉप स्विच। डिफरेंस यहाँ पे यह जाता है फ्रंट एपरिन में कि जो फ्रंट स्टोरेज है वो काफ़ी डिसेंट सा, बहुत सिक्योर स्टोरेज दिया गया, जो कि काफ़ी डीप है। देखो मेरे पूरी हाथ अंदर चली जा रही है ग्राजिया में, ऐसे लॉक कर दो। वहीं डीओ में भी थोड़ा सा स्टोरेज देखने को मिल जाती है दोनों साइड, जो कि थोड़ा बहुत डीप है, ये कोई सिक्योर नहीं है, बट इसमें जो स्टोरेज है वो सिक्योर है। और यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है, इसमें भी हुक है, यहाँ पे भी एक हुक देखने को मिल जाएगी देखो, और यहाँ पे भी एक हुक है। अदरवाइज दोनों की सीट कैपेसिटी कुशनिंग सिमिलर है, और कुछ ऐसा लुक है ग्राजिया का बैक से, और कुछ ऐसा लुक है डियो का बैक से। डियो में बैक टेल लैंप है, हेलोजन बल्ब में देखने को मिल जाएगी, वहीं साइड टर्न इंडिकेटर भी हेलोजन बल्ब में। वहीं ग्राजिया की बात करूँ तो यहाँ पे जो देख रहे हो वो LED सेटअप है, अदरवाइज ये बल्ब है, टेल लैंप इसमें LED में देखने को मिल जाती है। अदरवाइज कुछ ऐसा दिखता है इसका एग्जॉस्ट,
और कुछ ऐसा दिखता है डीओ का एग्जॉस्ट। वहीं में टायर सेक्शन, रियर टायर सेक्शन की बात करो तो इसमें भी यहाँ पे देखो 90 बाय 100 10 इंचेस की, और इसमें भी 90 बाय 100 10 इंचेस की टायर देखने को मिल जाती है। और इस सस्पेंशन को आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, 3 स्टेप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जिसकी हाइट कम है वो आराम से इसको एडजस्ट करके इस स्कूटर को चला सकते हो। अब मैं एक बार यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज दिखा देता हूँ, एंड कुछ ऐसा दिखता है अंडर सीट स्टोरेज। यहाँ पे कोई लाइट और चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। चार्जिंग पोर्ट मैं दिखा देता हूँ, इसमें देखने को मिल जाती है ग्राजिया में, वो कहाँ है। सबसे पहले यहाँ पे देखो थोड़ी बहुत डिसेंट से स्टोरेज देखने को मिल जाती है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे एक्सटर्नल फ्यूल कैप देखने को मिल जाता है ग्राजिया में। चार्जिंग पोर्ट देखो यहाँ पे, इसे पुश करो, यहाँ पे अंदर 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, लगा दो। वहीं डीओ की बात करूँ तो इसमें कोई भी चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। अंडर सीट स्टोरेज भी नॉर्मल डिसेंट सा है, इसमें कोई लाइट और चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, बंद कर देता हूँ। नाव दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो ग्राजिया में 171 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। वहीं डीओ की बात करूँ तो 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा है। अदरवाइज वेट की बात करूँ तो ग्राजिया आप लोगों को 108 kg में देखने को मिल जाएगी। वहीं डीओ की बात करूँ तो 105 kg में, मतलब कि 3 kg ज़्यादा है ग्राजिया डीओ से। एंड नाव मैं दोनों की प्राइसिंग डिटेल बता देता हूँ तो डीओ डिलक्स की एक्स शोरूम प्राइस है 69,200 एक्स शोरूम इन कोडरमा। वहीं ग्राजिया की बात करूँ तो ये 75,400 इन एक्स कोडरमा एक्स शोरूम। और इसका मैं सिर्फ अभी ड्रम ब्रेक का ही प्राइस बता रहा हूँ। अगर ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक का प्राइस अगर आप लोगों को जानना है तो मैं शोरूम की डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, कॉल करके एक बार आप लोग पूछ लेना। सो और दोनों की एवरेज की बात करूँ तो डीओ में आप लोगों को लगभग 55 से 60 kmpl की माइलेज आराम से ये दे देगी। मैं ग्राजिया की बात करूँ तो 50 से लेकर 55 kmpl की ये भी आराम से माइलेज दे देगी। ऑलमोस्ट मैं सारा चीज़ कवर कर दिया हूँ। अब रह गई बात दोनों स्कूटर में आप लोगों के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो अगर डिसेंट सा स्कूटर चाहिए, डिसेंट नहीं मतलब एक मस्कुलर स्कूटर चाहिए जो कि एक ग्लॉसी लुक के साथ भी आती हो, तो आप लोग इधर डीओ के साइड जा सकते हो। वहीं सेम मस्कुलर लुक लेकिन न्यू वेरियंट थोड़ा पावरफुल, तो आप लोग ग्राजिया के साथ जा सकते हो। बाकी दोनों का लुक सेम है, दोनों ही स्पोर्टी लुक लगती है। सो एक मेरा जो आइडिया था, मेरा जो ओपिनियन था, मैं आप लोगों को बता दिया। सो सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टिल देन कीप वॉचिंग कीप सेफ बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, बाय।